Yo everyone, this is Irfan and welcome to My Country, My Ride. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. ओके दोस्तों, तो अब आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मैरिट के एक और ब्लॉग में। और आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू डीलर दिल्ली के अंदर, जो डील करते हैं बहुत ही अच्छी प्री ओन्ड लग्जरी गाड़ियों में। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी मैं Z4 के अंदर आया और उसके साथ ही साथ आज मैंने जो आपको गाड़ियों का स्टॉक दिखाना है वो दिखाना है वराइटीज़ ऑफ लग्जरी कार, क्योंकि आप बहुत डिमांड करते हैं कि वी नीड लग्जरी कार इन आर ड्रीम। तो आपको मैं दिखाऊँगा कार मॉल की लग्जरी गाड़ियाँ, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, बट आज एक ऐसी डीलरशिप पे लेके आए हैं जिनके नाम में ही मॉल लगा है। तो मॉल का मतलब होता है कि वराइटीज़ ऑफ थिंग्स, और यहाँ पे वराइटीज़ ऑफ आपको लग्जरी कार मिलेगी। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। बट उससे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारी बिहाइंड द स्टोरी बताता हूँ। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउटआउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउटआउट गोज़ टू किशोर, थैंक यू सो मच भाई कि आपने माई कंट्री मैरिट की वीडियो पर कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कार मॉल के गाड़ियों की डिटेल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मैरिट के एक और ब्लॉग में। तो आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे दिल्ली के डीलर हैं, जो डील करते हैं प्री ओन लग्जरी गाड़ियों में, और जिनका नाम है कार मॉल, और उन्हीं के एक ऑनर हमारे साथ हैं जो गाड़ियों की आज हमें डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले सर का वेलकम करेंगे। तो भैया, वेलकम टू माई कंट्री मैरिट, और सारे सब्सक्राइबर को एक बार हाय जरूर कर दें। हाय, आई एम शैलेंद्र सिंह फ्रॉम मेसर्स कार मॉल, ओके, एंड आई एम हियर टू शो द कार्स। बहुत बढ़िया भैया, एक बात बताएं सबसे पहले, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ कार मॉल, तो कार मॉल के बारे में थोड़ी सी एक ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दें कि कितना टाइम हो गया काम करते हुए। 2003-2004 से हम अच्छा, ट्रेड में हैं। पुराना काम है, बहुत पुराना है भाई, पुराना काम है, और बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियों में डील करते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे देख ही पा रहे हैं, दिस इज़ Z4, और उसके साथ बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए, इनकी गाड़ियों का स्टॉक। तो भैया, स्टॉक में वैसे हमारे पास क्या क्या है आज? हमारे पास स्टॉक में काफ़ी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ़ द कार जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, हम कोशिश करते हैं वो गाड़ियाँ खरीदें जो अंडर वारंटी है। बहुत बढ़िया, हर बंदा चाहता है, हर कस्टमर चाहता है कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ मेरे को एक वारंटी मिल जाए, तो उसके अंदर का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और स्पेशली प्री ओन गाड़ियों में तो वारंटी तो एक ऐसी चीज़ होती है कि एक डर सा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्री ओन गाड़ियों में थोड़ी सी हिचकिचाहट लोगों को होती है। तो और काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि लग्जरी गाड़ियाँ प्री ओन खरीदने से पहले अगर वारंटी मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। यानी यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोई भी आता है उसको हम कहते हैं कि सर आपकी वारंटी अभी सपोज खत्म होने वाली है, ठीक है, हम आपकी वारंटी एक्सटेंड करके देते हैं, बहुत ताकि आपके दिमाग की टेंशन होती है ना वो खत्म हो जाए। आप एक इंसान
20 लाख 50 लाख 30 लाख की चीज ले रहा है, सही बात है, उसके दिमाग में टेंशन होती है कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, ठीक है। और हमारी एक रिकमेंडेशन और होती है कि जो हम गाड़ी बेचते हैं, सपोज ऑडी है, ठीक है, हम कहते हैं कि आप गाड़ी को स्कैन कराओ, 360 स्कैन कराओ, चेक नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर हैप्पी विद दैट, वेरी नाइस, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, okay. तो हमारे लिए हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अब लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ सीधा, क्योंकि स्टॉक रहने वाला है बहुत ही स्पेशल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज? आप देखिए ये ऑडी A4 है। ओके, सबसे पहले टेक्नोलॉजी एडिशन। अब सबसे पहले हम जिस गाड़ी के पास आए हैं वो है ऑडी की A4। अब इसकी थोड़ी सी स्पेक्स बताएं कि ये गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशन है वैसे? दिस इज 2018 का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है जी। गाड़ी चला है 300 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो जी सर, नो वे, 300 किलोमीटर चली है, तो ब्रांड न्यू है। इट्स लाइक ब्रांड न्यू और इट्स अ टेक्नोलॉजी एडिशन। ओके, जिसके अंदर Everything is digital. Okay. Meter is digital. ठीक you will find navigation. ठीक है. Everything is there. This is a top-loaded car of Audi A4. अच्छा, I have one question. जी. काफी सारे सब्सक्राइबर हैं, काफी सारे व्यूवर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अब ये 300 किलोमीटर चले गाड़ी, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 300 किलोमीटर चलाए गाड़ी बेच देगा, इसके क्या रीजन रहते हैं जब आप गाड़ी लेते हैं? ये गाड़ी एक्चुअली मैंने कस्टमर से नहीं ली है, okay. ये एक्चुअली मैंने शोरूम से ली थी। अच्छा, शोरूम से ली है, okay. वो शोरूम से 3-4 हमने गाड़ियां ली, okay. उनमें से ये एक गाड़ी है, okay. और वो गाड़ी की बिलिंग उसी के नाम पे होगी जो बंदा खरीद रहा है, okay. वो बंदा पहला ओनर बनेगा। तो ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है जी? अच्छा, ये बात समझे आप, दिस इज अ अनरजिस्टर्ड कार, अगर आप बाय करते हैं तो यू विल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ दिस कार। अब भैया एक चीज़ और बताओ, अंदर से क्या क्या फीचर्स से लोडेड है गाड़ी वैसे? इट्स अ टेक्नोलॉजी एडिशन जिसके अंदर आपको नेविगेशन मिलेगा, ठीक है, डिजिटल कॉकपिट मिलेगा, वेरी नाइस, एंड और इसके अलावा अगर आप सोच सकते हो सनरूफ होएगा एंड एवरीथिंग, मतलब इसके आगे दिस इज द एंड ऑफ ऑडी A4, इसके आगे ऑडी A4 कुछ नहीं बनाता। ये कौन सा मैन्युफैक्चर था? 2018 का। मैं 18 का जी। ब्रांड न्यू वाले पैसे तो नहीं होंगे ना अनरजिस्टर्ड गाड़ी के? ब्रांड न्यू वाले पैसे अगर होंगे तो हमारे पास नहीं आएगा ना, वो शोरूम पे जाएगा। बहुत ठीक बात करी। कार मॉल पे कितने में मिल जाएगी गाड़ी सर? हम आपके नाम से बिलिंग करा के क्या बोलते हो, और हम ये रफली सोच रहे हैं कि हम 35.5 लाख की रेंज में दे देंगे। 35.5 लाख, तो नई गाड़ी से कितना डिफरेंस आ गया? क्या बचे 10 लाख? नई गाड़ी का एक शोरूम ही 47 है। देख लो कितने सारे पैसे बच गए। तो अगर इस गाड़ी की डील क्रैक करनी है तो कॉल करो कार मॉल पे और फटाफट इस डील को क्रैप करो, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है, ऑनर भी बनोगे फर्स्ट, ट्रांसफ़र होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी। सो लेट्स मूव टू सेकंड कार। अब सेकंड कार कौन सी रहने वाली है? ऑडी के चार छल्ले इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बीएम का चार छल्ले ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान में भी तबाही मचाई हुई है। सही है, बिल्कुल सही है भैया। अब ये एक स्टेबल गाड़ी है जिसको बहुत लोग फेमस नोन है, BMW 5 सीरीज। 5 सीरीज, ठीक है भैया। ये M स्पोर्ट एडिशन है। अच्छा, मतलब कोई किट नहीं है, ये M स्पोर्ट। M स्पोर्ट, ओके ओके। M स्पोर्ट कार, ठीक है। इसके अंदर आपको M स्पोर्ट अलॉयज मिलेंगे, वेरी नाइस। M स्पोर्ट बम्पर्स मिलेंगे, वंडरफुल। M स्पोर्ट स्टीयरिंग मिलेगा, ठीक है। सो ये कंपनी की लिमिटेड गाड़ियों में से है, बिकॉज नॉर्मली BMW 530 में आता है M स्पोर्ट, ठीक है। ये 20 में M स्पोर्ट है। मतलब मेरा दोबारा से वही क्वेश्चन है कि ये कंपनी से ही एम स्पोर्ट आई है या बाहर से एक्सेसरी फिटिंग तो नहीं है ना सर? हम अपनी गाड़ी को कहीं से बाहर से हाथ नहीं लगवाते। बहुत सही है, वी डू इट एग्जैक्टली ओरिजिनल कंडीशन कार्स। जो गाड़ी आपकी कंपनी से आई है, ठीक है, वही चीज़ होगी इसके। एम स्पोर्ट एक ऐसी गाड़ी होती है ना कि BMW पे अगर एम अगर जुड़ जाता है तो वो उसकी खूबसूरती को 10 गुना ऊपर ले जाता है। इसको कहते हैं यंग जनरेशन। बिल्कुल ठीक है, वी आर यंग, तो यंग जनरेशन तो होनी होनी है। अब इसके मॉडल डिस्क्लोज करें प्लीज। ये है 2017, ओके, हिमाचल प्रदेश का नंबर है, ठीक है। इंश्योरेंस अगले साल तक है, टॉप ऑफ द लाइन, ठीक ठीक है। और गाड़ी चली है 38-39,000 किलोमीटर, 38 एंड 39, ठीक है, 39 के। सिंगल ओनर? सिंगल ओनर, सिंगल ओनर गाड़ी। अब चेक करते हैं कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, क्योंकि सारी गेम ही होती है भैया प्राइस की, आप गाड़ी भी पसंद कर लेंगे। प्राइस जो हमने रखा है वो 36 लाख रुपये रखा है। How much? 36 lakhs. 36 lakh, that is negotiable on table for our subscriber. It is negotiable. Okay. And it's a masterpiece. Masterpiece. Negotiable price. तो अब चलते हैं next गाड़ी की तरफ। Next भी BM की रहने वाली है, but ये मुझे ऐसा लग रहा है सारी नई shape ही है यहाँ पे। सब ये latest shape है and ये latest edition गाड़ी है। Okay. 2018 है, 32,000 के करीब चली है। Okay.
एंड जो BMW ने नए एडिशन में चेंजेस किए थे, ठीक है, ये वो वाला एडिशन है। अब नाम जरूर बताएं गाड़ी का। दिस इज BMW X1, ओके, X1 X लाइन, ओके, एंड इसके अंदर एप्पल कार प्ले मिलेगा आपको, ठीक है, रिवर्सिंग कैमरा मिलेगा, ठीक है, नेविगेशन मिलेगा, ओके, पैनारोमिक सनरूफ मिलेगा एंड डायमंड कट अलॉयज मिलेंगे। वेरी नाइस। अगर आप साइड से प्रोफाइल देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। अब भैया इसकी डिटेल की अगर बात करें तो क्या डिटेल रहने वाली है गाड़ी की? 2018 32,000 चली है, ठीक है, एंड इसकी जो हम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 29.5 लाख रुपये का है। 29.5 लाख? हाँ जी। ये नई कितने की आ रही है? रफली 45 लाख। इतना डिफरेंस 18 मॉडल गाड़ी में? पक्की बात है? पक्की बात है, है? चाबी भेजूँ आपके साथ? बहुत बढ़िया। तो अगर इसकी डील क्रैक करनी है तो अंडर 30 लाख ये गाड़ी आपको मिल जाएगी कार मॉल के स्टॉक में, और अगर नई गाड़ी का प्राइस की बात करें तो इट इज़ मोर देन 40 लाख। 45। तो ये गाड़ी सिंगल ओनर है? सिंगल ओनर सर। एंड हमारे पास सारी सिंगल ओनर, सारी सिंगल ओनर। सेकंड ओनर हम ट्रेड इन करते हैं लेकिन वो दे देते हैं बाहर, अपने पास नहीं रखते। वी डोंट कीप इट। वेरी नाइस। एक बार रजिस्ट्रेशन बता दे कहाँ का है इसका? उत्तर प्रदेश का नंबर। उत्तर प्रदेश, यूपी नंबर। यूपी नंबर है। और भैया एक बात और बताएं, जैसे अगर ऑब्वियसली बात है हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पैन इंडिया है, तो अगर कोई गाड़ी अदर स्टेट से लेता है, यूपी की गाड़ी अगर कोई हैदराबाद वाला लेता है या बैंगलोर वाला लेता है, NOC हम हर गाड़ी की प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास NOC का प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। अब कोई कस्टमर कहते हैं कि मेरे को गाड़ी केरला लेके जानी है या महाराष्ट्र लेके जानी है, ठीक है, उस स्टेट में आप भारत के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी नहीं चला सकते, आपको वहीं का ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर कस्टमर हमसे कहते हैं कि मेरे को महाराष्ट्र के लिए NOC चाहिए या केरला के लिए चाहिए, वी प्रोवाइड द NOC, प्रोवाइड करवाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वी विल डू एवरीथिंग, सब चीज़ होती है टेबल पे, और हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इंश्योरेंस हो गया, NOC होगी, गाड़ियों से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। बट अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो रहने वाली है जैगुआर। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब देखो ब्रांड कैसे हमने चेंज किया, ऑडी, BM, देन वी हैव जैगुआर। भैया इसकी थोड़ी सी डिटेल, ये है 2017 में निकली हुई जैगुआर एक्सेप्ट, ओके, डेली नंबर, ओके, प्रेस्टीज। इस गाड़ी की खूबी है कि इसमें एक पैनारोमिक सनरूफ है, ठीक है, और दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन, मतलब जो आज भी जैगुआर में चल रही है 2018-19 में जो जैगुआर बेच रहा है, ठीक है, ये वो सेम वेरिएंट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं 19 में अगर शोरूम पे पैसे लगा के गाड़ी लेके आता हूँ तो यही आपको यही मिलेगी, बट यहाँ पैसे बच जाएंगे? बहुत बचेंगे, हैं, बहुत सारे पैसे। एक बार इसकी डिटेल बता दें। ये 2017 में निकली हुई गाड़ी है, सोले की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, 24,000 चली है, सिर्फ 24,000, यस, ठीक है, और दिल्ली का नंबर है, ठीक है, और प्राइस में अगर आप लेके चलेंगे तो प्राइस बड़ा अट्रैक्टिव आने वाला है इसमें। क्या मैं गेस करूं? आप गेस करिए। आपने कितना बताया था इसका मॉडल? 2017 का निकला हुआ, 16 का मैन्युफैक्चर्ड है। बस आप मुझे इतना अंदाज दे दें कि क्या ये 30 के आसपास है? नहीं, नया गाड़ी 70 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। क्या ये 40 के आसपास है? उससे थोड़ा सा कम है। उस अच्छा 40 से कम है, अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख। तो ये 37 की डील? बिल्कुल डील है 37 की। 37 लाख रुपए की मिल जाएगी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी। और जैसा कि भैया ने बताया अभी कि अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू मोर देन 60 लाख। 67-68 का नया गाड़ी पड़ता है। तो आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ कितना ज़्यादा डिफरेंस है पैसों में, तो क्यों ना पैसों को बचाया जाए और गाड़ी यहाँ से लेके जाई जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो रहने वाली है मर्सिडीज़ की। अब आप देखिए ब्रांड कैसे हम चेंज कर रहे हैं, एक एक कदम पे हमारे ब्रांड चेंज है, नाउ वी हैव मर्सिडीज़। भैया सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑडी, BM, जैगुआर कर ली, नाउ वी हैव मर्सिडीज़। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, जी, तो हिंदुस्तान के अंदर मर्सिडीज़ इज़ नंबर वन नाउ, ओके, और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो BMW इज़ नंबर वन। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल बताया। ये कौन सी गाड़ी है मर्सिडीज़? ये मर्सिडीज़ का ई क्लास है, ओके, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ई क्लास, ओके, पेट्रोल वर्जन है, ठीक है, 16,000 चला है, लेस ड्रिवन, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंडर वारंटी टिल 2020 वारंटी भी है इस गाड़ी की। थोड़े से फीचर के बारे में बता दें इसके अंदर के। सर इट हैज़ हैंड शिफ्ट गियर, ओके, इट हैज़ पैनारोमिक सनरूफ, ओके, और जो जो भी लोडिंग्स आती हैं, अच्छा, एज पर द मर्सिडीज वो सारा कुछ है, प्लस 3 साल की स्टैंडर्ड फैक्ट्री वारंटी है, ओके। सो मैंने जैसे कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि गाड़ियां दें वो जो अंडर वारंटी हो। बहुत बढ़िया हुआ। अब इसकी डिटेल बताएं क्या मॉडल है ये? ये 2017 का मॉडल है, ठीक है, इंश्योरेंस अगले साल तक है इसकी, ठीक है, और 16-17,000 चला है। फर्स्ट ओनर?
फर्स्ट ओनर पूछने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि सारी गाड़ियाँ होती हैं फर्स्ट ओनर। तो आप ये बताएं अब ये रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ होने वाला है? ये पंजाब का नंबर है। अच्छा, पीबी आ गया। अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम मल्टी उसमें भी डील कर रहे हैं नंबर में? सर, मैं इस बात में अपनी एक राय देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि गाड़ी ने चलना है, नंबर ने नहीं चलना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात की, आप नोट करें इस चीज़ को कि गाड़ी ने चलना है, नंबर ने नहीं चलना। अगर आपको कोई दिल्ली की गाड़ी, हाँ जी, 50,000 या 60,000 चली दे रहा है, ठीक है, और मैं वही गाड़ी पंजाब का नंबर या चंडीगढ़ का नंबर 5,000 चली दे रहा हूँ, तो आपकी क्या प्रेफरेंस होगी? मेरी प्रेफरेंस ये कहती है कि कम चली गाड़ी ज़्यादा बेटर होती है, रादर देन ज़्यादा चली गाड़ी। अच्छी एडवाइस हमेशा कंसीडर करनी चाहिए। भैया ने बहुत अच्छी बात बताई नंबर को लेके। नंबर एक मिथ सा बना हुआ है लोगों के अंदर कि ये यहाँ की गाड़ी है, ये वहाँ की गाड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा भैया ने, नंबर ही नहीं चलना, चलना गाड़ी नहीं है। अब चलना तो है, चला तो लेंगे, लेकिन पैसे भी तो देके जाएंगे पहले। अब पहले नहीं का जानूंगा, पहले मैं नहीं का जानूंगा ताकि डिफरेंस एक बार पता लग जाए कितने पैसे बच जाएंगे। सर, नया गाड़ी जो है ये है रफली 65 लाख रुपये का आफ्टर डिस्काउंट्स, ठीक है जी। हम इसके एक्सपेक्ट कर रहे हैं 48.5 लाख। 48.5 लाख रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया गाड़ी में। गाड़ी है ब्रांड न्यू कंडीशन में, सिर्फ 16,000 चली है। डील क्रैक करनी है गाड़ी की तो आ जाएं और कार मॉल पे विजिट करके गाड़ी को लेके जाएं, क्योंकि आपको गाड़ी दे के ही भेजेंगे, क्योंकि आप किसी रेफरेंस से आएंगे या नहीं भैया? अब रेफरेंस तो गाड़ी अपना खुद देगी, हम तो बाद में देंगे। जब किसी को ये पता चलेगा कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ जिसकी वारंटी है, सही बात है, लेस ड्रिवन है, एंड उसके बाद हम कस्टमर को इंसिस्ट करते हैं कि आप इस गाड़ी को मर्सिडीज, सपोज मर्सिडीज है, मर्सिडीज के शोरूम पे जाके स्कैन कराएं। अच्छा, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, वी एक्चुअली क्रिएट दिस काइंड ऑफ नीड टू द कस्टमर कि आपका सेटिस्फेक्शन इज द अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि आप गाड़ी जब आप सपोज करते हैं कि आपको तबीयत खराब है, आप जाके ब्लड टेस्ट कराओगे, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में क्या आएगा? आपकी रिपोर्ट आएगी, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होएगा? आपकी गाड़ी की रिपोर्ट आएगी कि गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, ठीक है, कोई टैम्परिंग नहीं है, ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सपोजिंगली सर्विस रिक्वायर्ड है नहीं है वो पता चल जाएगा, गाड़ी में टायर्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ पेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सब पता लग जाएगा। मतलब 360 का मतलब वो गाड़ी का ऊपर अंदर बाहर सब कुछ आपको रिपोर्ट देंगे। बहुत बढ़िया, तो आप चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो रहने वाली है वॉल्वो की। भाई वॉल्वो की गाड़ी में तो मैं ही आपको बताता हूँ, इतनी वॉल्वो करता हूँ ना मैं, वॉल्वो वन ऑफ द क्या मतलब सेफेस्ट कार, हाँ, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है सेफेस्ट कार, ये तो गूगल भी कहता है। अपने पास वॉल्वो की कौन सी खड़ी है? ये वॉल्वो की है V90, ओके, इंस्क्रिप्शन एडिशन, ठीक है, एंड दिस इज अ क्रॉस कंट्री कार। क्रॉस कंट्री, ओके, वेरी नाइस। अब ये क्या मॉडल रहने वाली है? ये है 2018 का निकला हुआ। अच्छा, 18 12,000 चला हुआ, ठीक है, और गाड़ी के अंदर जो आप लोडिंग सोच सकते हैं ना, सब है, वो सब कुछ है, तभी इसको सेफेस्ट कार कहा गया है। और वॉल्वो की हिस्ट्री में जितने भी, मैं कहना नहीं चाहता कि एक्सीडेंट्स हुए या मिसहैप्स हुए, आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, नहीं हुई, हकीकत में नहीं हुआ, तभी गूगल पे भी आप लिखोगे वर्ल्ड सेफेस्ट कार तो टॉप पे आ जाएगी वॉल्वो का नाम। इट्स इज द वर्ल्ड सेफेस्ट कार, एंड इस गाड़ी में इतनी खूबियां हैं, ओके, जैसे कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, ठीक है, 360 कैमरा है, ठीक है, नेविगेशन है, हीटेड एंड कूल सीट्स हैं, पावर टेलगेट है, एयर सस्पेंशन है, एंड अलर्ट है, एंड इट हैज सेल्फ ड्राइविंग थिंग। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, फॉलो मोड, ओके, यू जस्ट हैव टू टच द स्टीयरिंग एंड इट विल मूव ऑन। हेड्स अप डिस्प्ले भी आएगा, हेड्स अप डिस्प्ले भी है, हेड्स अप। देखो, आपके भाई को पता है कितनी, क्योंकि वॉल्वो से मुझे बहुत प्यार हो गया है। वॉल्वो के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा सर, पूछिए कि वॉल्वो एज कम्पेयर टू जो हमारे अदर ब्रांड प्री ओन गाड़ियों में चल रहे हैं, वॉल्वो का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? वॉल्वो अब हिंदुस्तान में पिक कर रही है, कर रही है, ठीक है। पहले जिस हिसाब से वॉल्वो आई थी, हाँ जी, उस हिसाब से उनकी, मुझे जो लगता है कि एक लूज उन्होंने एक वो रखा था आफ्टर सेल एंड सर्विस, ठीक है, स्पेयर्स अवेलेबल नहीं थे, अब वो पूरे तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ वापस आए हैं विद न्यू वेरिएंट्स। बहुत बढ़िया, पहले के वेरिएंट्स थोड़े से डल और, हाँ, मतलब आप समझ सकते हो, शेप और लाइट ना बड़ी अजीब होती है, सही बात है। अब जो है कर्वी लाइट, नहीं वाकई शेप ब्यूटीफुल,
अब इसकी फिर वो ब्यूटीफुल की डिटेल थोड़ी दोबारा से एक बार बता दें। 2018 में निकली हुई है और मात्र 12,000 चली है। सिंगल ओनर, सिंगल अगेन, सिंगल ओनर। और रजिस्ट्रेशन कहाँ की रहने वाली? यूपी नंबर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो आप जानते हैं सीधा सीधा इसके पैसे वो रहेंगे कैसे? इसके पैसे रहेंगे, नया गाड़ी शायद 77-78 का है। वोल्वो भी बहुत ही महंगी गाड़ी बनाती है। ये इंस्क्रिप्शन सीबीयू यूनिट है। ठीक है, अच्छा सीबीयू है वो। ये अच्छा सीबीयू, ठीक है। और इसका जो हम प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं समवेयर अराउंड 46 लाख में आपको ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि 16,000, 15,000, 10,000 इन गाड़ियों के लिए नथिंग। अब जो आएगा बंदा उसको पता है कि अगले साल तक मेरी गाड़ी वारंटी में है, तो टेंशन ही क्या, इंश्योरेंस है तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन है। बिकॉज वारंटी में एडवांटेज, अगेन मैं आप बोल रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन होती है कस्टमर के पास कि मैंने आपको वारंटी वाली गाड़ी दी, आप उसको एनहांस करा लो, परफेक्ट। तो आपके लिए एडवांटेज है, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो रहने वाली है BMW की 5 सीरीज। इज दिस 520D? दिस इज 520D लग्जरी लाइन। लग्जरी लाइन भाई, लग्जरी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डीलरशिप पे हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो। अब इसकी डिटेल प्लीज़ थोड़ी सी। ये मॉडल पुराना है। अच्छा जी, अगेन मैं इस बात पे बोलूँगा ये मॉडल थोड़ा पुराना है। अच्छा, आपने पुराना बोल तो दिया, फिर एक बार ये भी बता दो कि कौन सा ईयर है वो पुराना? ये है 2014 का मॉडल। देखो 14 को यहाँ पुराना कहा जाता है, और मैंने पुराना कुछ सोच के बोला है। ओके, गाड़ी सिर्फ चला है 14,000। अब यही बात दोबारा से मैं क्वेश्चन रेज करूँगा। चलो वो वाली बात तो समझ आ गई, जो आपके पास अनरजिस्टर्ड गाड़ी खड़ी है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का या काफ़ी सारे फॉलोअर्स का ये क्वेश्चन होता है कि 14 में गाड़ी ली गई है, इतनी कम क्यों चलाई है? अगले ने नहीं चलाई, मतलब रीज़न आप बताएं। 8-9 गाड़ियां थी। हाँ, ये रीज़न होता है। वो जहाँ रहते थे वो गाड़ियाँ बेसमेंट में पार्क थी, वो चलाता ही नहीं था, इसका नंबर ही नहीं आता था, तो मैंने कहा आप हमें दे दो आप प्लीज़। वैलिड रीज़न होते हैं, ऐसा नहीं होता कि गाड़ी 16,000 चली है तो उसमें कोई झोल होगा या कुछ गलत होगा, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारे रीज़न होते हैं, और भैया ने जो एक रीज़न बताया, काफ़ी सारे लोगों के पास मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि 9-10 गाड़ियाँ होती हैं और 10 गाड़ियाँ एक बंदा नहीं चला सकता, नंबर ही नहीं आता। इसकी डिटेल बताया। इसके अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मैंने अभी तक नहीं बताया था, प्लीज़। ये गाड़ी आज भी अंडर वारंटी है। वैसे तो BMW 2 साल का वारंटी देता है, इसमें 5 साल का वारंटी लिया हुआ था, तो आज भी ये नवंबर 2019 तक अंडर वारंटी है। मतलब इस साल के एंड तक अभी गाड़ी वारंटी में ही मिलेगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब 14 मॉडल है, रनिंग है इसकी सिर्फ 14,000। पैसे अच्छे होने चाहिए इसके। इसके पैसे सर थोड़े से मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि क्योंकि जो भी होगा वो कम ही देगा ना। वो बेचेगा ही नहीं, वो कहता है मैंने चला ही नहीं तो सिर्फ 29 लाख रुपए में आपको मिलेगी 520D लग्जरी लाइन, जो कि बिल्कुल ही लेस ड्रिवन है, अंडर वारंटी है और रजिस्ट्रेशन है। ये उत्तर प्रदेश का VIP नंबर। मुझे लग रहा है आप यूपी से बिलोंग करते हैं। वैसे तो मैं करता हूँ, लेकिन मुझे तो अगर कोई बाहर का बॉम्बे का भी गाड़ी मिल जाएगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ द कार। बहुत बढ़िया बात, दोबारा बोलता हूँ गाड़ी ने चलना है, नंबर ने नहीं चलना। बहुत अच्छी बात बताई। अब करते हैं लास्ट गाड़ी जो आज हमारी स्टॉक की रहने वाली है। वैसे तो स्टॉक में बहुत गाड़ियाँ हैं, बट हम आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि सीरीज शुरू हो गई है, अब आपको रोज रात को 10 बजे आना है और कार मॉल की आपको वीडियो मिलेगी। ओके भैया, दिस इज माई फेवरेट कार। आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा CLA का क्या रिस्पॉन्स है मार्केट में? CLA एक मिड साइज सेगमेंट की ना एक ऐसी गाड़ी है जो है। हर बंदे को की प्रेफरेंस है, ठीक है, क्योंकि एक तो उसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, दूसरा दिल्ली के ट्रैफिक की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, ये एक कॉम्पैक्ट सेडान है। कॉम्पैक्ट सेडान है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरी लग्जरी फीलिंग आने वाली है, ठीक है, जैसे कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, LED हेडलैम्प्स हैं, बड़े सुंदर से अलॉयज हैं, सही है। सो उस हिसाब से ये एक वो गाड़ी है जो हर बंदे को प्रेफरेंस होती है, बिकॉज आज की तारीख में नया जनरेशन के जो बच्चे आते हैं, जिसको मैं बच्चे से कह सकता हूँ क्योंकि अब तो हमारी, वो बच्चे सोचते हैं कि हमारी पहली गाड़ी कुछ लग्जरी गाड़ी हो, कि हम जल्दी अपग्रेड करें। ठीक है, ठीक है, मतलब लग्जरी गाड़ी में अगर आप पहला स्टेप लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है। सेडान के अंदर CLA बहुत अच्छी है। अब मॉडल की डिस्कस करते हैं कि क्या मॉडल है। अगेन मेरे लिए एक मास्टरपीस है। अच्छा जी, ये मॉडल है 2016 मॉडल है। अब मैं आप ही से गेस करता हूँ ये क्या चली होगी। 20 एक गेस और
अच्छा ये बता दे भाई, हिंट दे दे कि नीचे आना है ऊपर जाना है? आपने नीचे की तरफ नीचे आना है, तो फिर इसके 10,000 समझो, थोड़ा सा और नीचे। अरे मत करो ऐसी बातें, ये चलिए 5800 किलोमीटर। 5800 बोले तो 5800। अब देखो कितनी लेस ड्रिवन गाड़ी है, 5800 इस गाड़ी के लिए क्या किसी भी गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं होता। इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू कार, और आप प्री ओन गाड़ियों में ऐसी गाड़ियाँ ग्रैब करके अपने पैसे बचा सकते हैं। यकीनन आपके पैसे बचेंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि आप नई गाड़ी की फील ले रहे हैं। भैया ये तो बहुत ही कम चलिए, कि ऐसी प्राइस मत बता देना कि मतलब मैं एक्साइटेड होके मैं ही टोकन पकड़ाऊँ, क्या बोलते आप हो? दे सकते हो, पहले प्राइस डिस्क्लोज करो। प्राइस है अराउंड 26.5 लाख। 26.5 लाख रुपये नेगोशिएबल, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन। अब मुझे ये बताओ कि नई में और इस प्राइस में कितना डिफरेंस आया? नई गाड़ी है रफली 43-44 की। अच्छा जी, 40+ आती है, बट फिर भी आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है। रजिस्ट्रेशन यूपी? अगेन यूपी। माय गॉड, यूपी से तो इतना प्यार करते हैं कार मॉल पे कि भैया रहते भी यूपी के हैं, और यूपी नंबर में वैसे तो मल्टी नंबर आपको मिल जाएंगे, बट स्टिल यूपी नंबर यहाँ पे काफ़ी हैं जो आज हमने देखे। तो भैया अगर हम बात करें एक प्राइस रेंज की, एक बार बात बताओ कि अपने स्टॉक की वैसे करंट में हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? हमारा मिनिमम स्टॉक होता है अराउंड 20+। 20+, ठीक है। और मैक्सिमम की तो लिमिट लोन, नो लिमिट? नो लिमिट, मतलब इट कुड बी लैम्बर्गिनी, इट कुड बी ऑडी R8, Z4। तो भाई आज जो हमने आपको स्टॉक दिखाया द कार मॉल दिल्ली का, जिसमें आपको हमने दिखाई वराइटीज ऑफ लग्जरी कार, बट अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ी सी फैसिलिटीज़ को लेके, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और क्या स्टॉक रखते हैं द कार मॉल वाले। क्या कहते हो भैया फैसिलिटीज़ के नाम पे? हमारे पास सब कुछ, ऑल फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ। बहुत बढ़िया, जिसके अंदर हम आपको इंश्योरेंस, ठीक है, लोन्स, ओके। एक एडवांटेज और है जो मैंने अपने टाइम के साथ सीखा है, ठीक है, वो एडवांटेज ये है कि आज की तारीख में ऐसे यंग जनरेशन प्रेफर करती है, ठीक है, हाँ जी, वो चाहती है कि उनको गाड़ी जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। सो हमारे पास एक प्रोविज़न ये होता है कि हम लोन उनका अप्रूव करा लेते हैं। अच्छा, जब लोन अप्रूव होगा हम अप्रूवल पे उनको गाड़ी डिलीवर कर देते हैं, उनकी डाउन पेमेंट जो मार्जिन मनी बना, ठीक है, सपोज एक्स अमाउंट लोन लिया, ओके, वो पैसा मेरे को 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, वो मेरी हेडेक हो जाता है, हम कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर देते हैं, ओके, विद द बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल इन दिल्ली, ठीक है। अब एक बात और बताएं, अब लोन की अगर हम बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो क्या फाइनेंस दिल्ली NCR तक अवेलेबल है या ये पैन इंडिया अवेलेबल है? पैन इंडिया अवेलेबल है। पैन इंडिया अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, क्योंकि आप हमें देखते हैं पूरे इंडिया से और आप बहुत डिमांड करते हैं, ऐसे डीलर ढूंढ के लाएं जहां पे जो लोन है वो पैन इंडिया सर्विस मिले, तो यहां पे सर्विस पूरी है भाई, कहीं से भी देख रहे हो तो लोन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ और बताओ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं ट्रैवल कर सकते, वो कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं आ सकते, बट हाँ गाड़ी हमें पसंद है। अगर उनकी गाड़ी उनको पसंद है, हाँ, तो हम उनको कहते हैं कि सर आप अपना ट्रैवल का फ्लाइट का पैसा बचाइए, ठीक है, गाड़ी आप अपनी चॉइस से, ओके, किसी भी, सपोज मर्सिडीज़ की गाड़ी है, हाँ, तो दिल्ली के अंदर TNT मोटर्स है, ठीक है, हम कहते हैं आप TNT मोटर्स पे गाड़ी भेजिए, ठीक है, गाड़ी 360 स्कैन कराइए, पेंट वेंट एवरीथिंग आप चेक कराइए, आपके सेटिस्फैक्शन है, ओके, तो गाड़ी की ड्यूल क्रैक करिए। अब उसमें एडवांटेज क्या है, वो आएगा जाएगा, ही विल हैव टू इनकर एक्सपेंसेस इन फ्लाइट, आना जाना सब कुछ, ठीक है, जब हम गाड़ी की स्कैन करा लेंगे, ओके, जब उसकी हेल्थ रिपोर्ट परफेक्टली ओके आएगी, ओके, तो उसको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत यहीं से लोन अप्रूव करवा के डाउन पेमेंट जो बनती है वो लेके, okay, और जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके, वी कैन गिव अ फैसिलिटी कि वी कैन डिलीवर द कार टू हिज डोर, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए हम गाड़ी उनके डोर स्टेप तक पहुँचा देंगे। हाँ जी, तो ये भी फैसिलिटी इसके लिए आपको थम्स अप मिल गया है द कार मॉल पे। और भैया और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कुछ हमारे सब्सक्राइबर के लिए? जो फैसिलिटीज की मैं बात करूँ तो हम, हमारा मोटो है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। बहुत अच्छा, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी का हार्ड एंड मनी खर्चता है लग्जरी गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसा वो एक सेफ जगह लगा रहा है, एक अच्छी गाड़ी पर लगा रहा है, हमारे लिए उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कोई नहीं है। सेम सेटिस्फैक्शन हमारा भी है, हमारी भी कोशिश रहती है कि आपको ऐसे डीलर दिखाए जाएँ जो अच्छी गाड़ियों में डील करते हैं, जेन्युइन डील करते हैं और कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही है ये प्री ओन गाड़ियों का काम है, यहाँ पे आपका पैसा कभी ख़राब भी हो जाता है, बट हमारी कोशिश रहती है कि आपके सामने ऐसे डीलर लेके आएँ जो मार्केट में बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं।
तो द कार मॉल पे हम आए थे इसलिए, तो आज हमने आपको दिखाई स्टॉक की डिटेल, बट यहाँ पे सीरीज रुकेगी नहीं, ये पिक्चर अब 4 दिन तक रोज आएगी। तो कल रात को 10 बजे भी आ जाना टाइम से, क्योंकि कल मैं मिलूँगा कार मॉल की एक बहुत ही अच्छी लोडेड गाड़ी के साथ। तो इसी के साथ माय कंट्री मार्केट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक फॉर वॉचिंग माय कंट्री मार्केट, सी यू, बाय बाय फ्रॉम द कार मॉल। और भैया एक बार अपने अंदाज में सबको बाय जरूर कर दें। सबको मैं बोलता हूँ जय हिंद, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और कस्टमर्स जुड़ें ताकि हम उनको अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी गाड़ी दे पाएँ और अपनी इज्जत को बरकरार करें और बढ़ाएं। मतलब हमारे भाइयों का जो भी आएंगे सबकी टेक केयर करेंगे भैया, और सबको यहाँ पे गाड़ी दे के भेजेंगे। नहीं भी अगर कोई गाड़ी लेके जाएगा तो ट्रीटमेंट मिलेगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं फिर कल रात को 10 बजे, बाय जी।